नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। कर्नाटक में सियासी घमासान के बीच बेशक राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब ना रही हो, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने 104 सीटें हासिल करके ये तो साफ कर दिया है कि जिस तरह जनता बीजेपी पर भरोसा कर रही है, फिलहाल बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन इस सब सियासी हलचल के बीच एक सवाल है जो सबको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। सवाल है कि आखिर गोवा, मणिपुर, मेघालय जैसे राज्यों में जहां बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कम थी, फिर भी अमित शाह की कुशल रणनीति की वजह से बीजेपी ने कांग्रेस से वो राज्य छीन लिए। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी ने देश के इस बड़े राज्य को अपने हाथों से कैसे जाने दिया। तो राजनीति के जानकारों की माने तो इसके पीछे बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह की एक चाल है जिसे कांग्रेस समझ नहीं पाई है। दरअसल बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि कांग्रेस और जेडीएस की ये अवसरवादी गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ऐसे में 2019 में देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनावों के समय कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर सकती है। बीजेपी इसका फायदा उठाते हुए कर्नाटक विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ करा सकती है। ऐसे में बीजेपी को मोदी लहर का फायदा हो सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक में बीजेपी की ये सियासी चाल कितनी कारगर साबित होती है। अगर शाह का ये प्लान काम नहीं करता तो उनके पास प्लान बी भी है। 17 मई को कर्नाटक सीएम पद की शपथ लेते ही येदियुरप्पा ने किसान माफी समेत कई बड़े ऐलान किए थे। ये ऐलान ठीक उसी तरह से थे जैसे 2007 में 7 दिन के सीएम बने येदियुरप्पा ने बड़े बड़े ऐलान किए थे। 7 दिन के बाद येदियुरप्पा की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद 2008 में दोबारा राज्य में चुनाव हुए। येदियुरप्पा जनता के बीच गए और कहा कि हम आपके हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। येदियुरप्पा की बात का असर कर्नाटक की जनता पर हुआ और येदियुरप्पा दोबारा पूर्ण बहुमत लाकर कर्नाटक के सीएम बने। इस बार भी जब कर्नाटक में चुनाव होगा तो येदियुरप्पा इसी प्लान के साथ जनता के बीच जाएंगे, लेकिन देखने की बात ये होगी कि क्या इस बार भी येदियुरप्पा की बात जनता की समझ में आएगी या नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMS न्यूज़।